बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सब लोगों का। आई होप आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। मैं बना रही हूँ आज सूजी और मैदे का हलवा। ये मैंने एक कटोरी ली है चीनी, एक कटोरी मैंने सूजी की ली है, एक कटोरी मैंने मैदे की ली है, एक कटोरी मैंने घी की ली है, 3 से 4 मैंने सब्ज इलायची ली थी, और ये मैंने लिया है किशमिश, और ये मैंने लिए थे मग्ज थोड़े से। और अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। अब मैंने पतीले में ऑयल डाल दिया, ये देखें जो मैंने एक कटोरी ऑयल लिया था वो मैंने पतीले में डाल दिया। जो मैंने सब्ज इलायची ली थी वो डाल रही हूँ मैं अब ऑयल में। ये जो मैंने एक कटोरी मैदा लिया था वो ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। ऑयल मेरा गर्म हो गया, मैंने सब्ज इलायची डाल ली थी पहले। जो मैंने ये कटोरी से थोड़ा सा कम है मैदा, पूरी कटोरी नहीं थी, थोड़े से कटोरी से कम था, वो मैंने डाल दिया ऑयल में। ऑयल मेरा पहले से गर्म था। अब मैं इसे अच्छे तरीके से भूनूंगी। चमचा चलाते रहना आपने। आज मीठे का दिल कर रहा था तो मैंने कहा चलो सूजी और मैदे का हलवा बनाती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है, यम्मी सा और जल्दी बन जाता है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने एक कटोरी सूजी ली थी, एक कटोरी भर के वो ऐड कर रही हूँ। इसे मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। इसके अच्छे तरीके से भुनाई करनी है आपने। चमचा चलाते रहना, चमचे को रोकना नहीं है। ये देखिए ये मेरी सूजी और मैदा दोनों अभी मैं भुनाई कर रही हूँ। मज़ीद आपने भुनाई और करनी है। जब इसमें से खुशबू आने लग जाए, आपको लगे कि आपका सूजी और मैदा भून गया है, फिर इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। चीनी, अब मैंने जो एक कटोरी चीनी ली थी वो ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। अब मैं एक कप भर के मैंने पानी का लिया था वो ऐड कर दिया। 2 कप मैंने भर के पानी के लिए थे वो मैंने इसमें डाल दिए हलवे में। अब मैं इसे अच्छे तरीके से चमचा चलाते हुए पकाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये हलवा, बहुत ही अच्छा लगता है, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। आज मीठे का दिल कर रहा था तो मैंने सोचा कि चलो मैदे और सूजी का हलवा बनाते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। ये देखें मेरा हलवा, जब हलवा ऑयल छोड़ देगा बिल्कुल, अच्छे तरीके से आपने चलाना है इसे। जब आपको लगे कि पतीला, ये देखें ऐसे हलवा छोड़ रहा है पतीले को, तो आपका हलवा बनके रेडी हो जाएगा। अच्छे तरीके से आपने चमचा चलाते रहना। मैंने लिया था थोड़ा सा फूड कलर, मैं इसमें वो ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, ना चाहे तो आप ना करें, ऐड आपकी मर्ज़ी है, ये ऑप्शन है। तो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें थोड़ा सा फूड कलर लिया था मैंने, वो मैं ऐड कर रही हूँ। जो मैंने फूड कलर लिया था वो मैंने इसमें डाल दिया है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनता है ये। ये देखें ये मेरे हलवे की बुनाई अभी हो रही है माशाल्लाह। देखें ये अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ किशमिश, और जो मैंने मग्ज लिए थे वो डाल रही हूँ। आप चाहें तो बादाम भी डाल सकते हैं, खोपा भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला, मैंने मग्ज और किशमिश डाली है। ये देखें अब मैं मज़ीद इसकी बुनाई करूँगी। अच्छे तरीके से चमचा चलाते रहना है, इस स्टेज पर आपने चमचे को नहीं छोड़ना, चमचा चलाते रहना। ये देखें कितनी अच्छी लुक आई है माशाल्लाह, खुशबू भी बहुत आ रही है, और खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार होता है सूजी और मैदे का हलवा, बहुत ही अच्छा बनता है ये। ये देखें कितना यम्मी सा, अभी से माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया, और खुशबू भी जब आप बनाएंगे तो आपके पूरे घर में माशाल्लाह इसकी खुशबू महक जाएगी। माशाल्लाह खुशबू इसकी बहुत ज़्यादा आ रही है। ये देखें कितना अच्छा यम्मी सा मेरा हलवा बन रहा है। आपके पास ऑप्शन है, आपने डालना है फूड कलर डाल सकते हैं, आपने नहीं डालना तो आप ना डालें। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा डाला है,
ये देखें, ये मेरी, ये देखें पतीले को हलवा, ये देखें छोड़ रहा है, मेरी बुनाई हो गई है, देखें माशाल्लाह मेरा हलवा बनके तैयार है। ये देखें बहुत माशाल्लाह खुशबू भी आ रही है इसमें से, कितना प्यारा मेरा हलवा बना है। अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये मेरा हलवा बन गया है माशाल्लाह, देखें साइडों पे ऑयल भी निकल आया है और कितना अच्छा बना है, कितनी अच्छी इसकी लुक है। ये खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार है। मैं अब इसे करती हूँ डिश आउट, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये मेरा हलवा सूजी और मैदे का बनके रेडी है माशाल्लाह, देखें कितना प्यारा लग रहा है और खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा घर में महक उठी है माशाल्लाह। ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है, आप भी बनाना अपनी फैमिली के साथ, इंजॉय करना। मेरे चैनल को करना लाइक शेयर कमेंट लाजमी क्या करें, सब्सक्राइब भी क्या करें, कमेंट करके मुझे लाजमी बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, मेरी रेसिपी कैसी लगती है, और मुझे लाजमी बताना कि मेरा ये हलवा कैसा लगा आपको, और ये बनाना अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करना। बहुत ही मज़ेदार बनता है और कम टाइम में बन जाता है, जैसे अचानक से गेस्ट आ जाते हैं आप बना सकते हो। इसी वीडियो के साथ लेती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।